कहीं तुम अपने ही घर में चोरी करने का प्लान तो नहीं बना रहे? बिल्कुल नहीं। तुम मुझ पर ऐसा इल्जाम कैसे लगा सकते हो? मैं तो सिर्फ ये देख रहा था कि दरवाजे की सिक्योरिटी ठीक है कि नहीं। डोरेमोन मुझे बचाओ! कोई तो बात जरूर है। अब बताओ तुमने क्या गड़बड़ की? मॉम मुझे जल्दी ढूंढ लेंगी। मॉम बहुत ही गुस्से में है। अब क्या? बहुत बुरा हुआ। चलो मैं भी तुम्हारे साथ माफी मांगने जाऊंगा, ठीक है? जैसा कि आप जानते हो, हम बहुत शर्मिंदा हैं, इसलिए मैं और नोबिता आपसे माफी मांगना चाहते हैं। मुझे माफ कर दो। माफ करो और तुम्हें? वैसे आप तो नोबिता को पढ़ाई के मामले में जानती हैं ना? उसके मार्क्स तो हमेशा की तरह 5, 4, 3, 2, 1 और अगला नंबर है 0। हमेशा की तरह उसे टेस्ट में 0 मिला है। आपके लिए तो कोई नई बात नहीं है ना? क्या तुम्हें टेस्ट में 0 मिला? मुझे तो इस बारे में कुछ भी पता नहीं था। नहीं मॉम, दरअसल वो बात नहीं है। ओ अच्छा, जब तुम शॉपिंग करने गए थे तब तुमने उनके साथ पैसों की चीटिंग की थी। क्या तुमने चीटिंग की? तुम्हें ये आदत कब से लग गई नोबिता? अब बोलो भी। नहीं, दरअसल बात वो नहीं है। मैंने झूठ नहीं बोला। मुझे पता है, तुमने मॉम को नींद में बोलते हुए टेप किया था और फिर सबको सुनाकर हंस रहे थे। कितना मजा आया था। बहुत फनी था। नींद में बोलते हुए? हाँ, अब तुम्हारी गर्ल नहीं नोबिता। तुम कितने मतलबी हो डोरेमोन, जो बातें उन्हें नहीं बता दी तुमने उन्हें बता दी। सॉरी नोबिता, पर अब तुम क्या करने वाले हो? अब मैं बताऊं? क्या हॉलवे? ओ नो, चुप रहो, अभी उन्हें ये बात नहीं बता। मैं घर नहीं जा सकता। ठीक है मैं कुछ करता हूँ नोबिता, तुम रोना बंद करो। काम डाउन बीज नेस्ट। बीज नहीं। चिंता मत करो, ये तो सिर्फ एक रोबोट है। ये गुस्से वाले लोगों को ढूंढती है और लेजर रे से काटती है। जब उन्हें वो काट लेती है तो उनका सारा गुस्सा गुब्बारे की तरह फट जाता है। ये नोबिता भी ना, जब वो घर आएगा तो उसे अच्छी तरह बताऊंगी मैं। मेरा लाडला बेटा। देखो मक्खी घर में है, अब तक मॉम का गुस्सा ठंडा हो चुका होगा। हे, तुम्हें इस तरफ जाना है, उस तरफ नहीं, इधर आओ। तुम चिंता मत करो, मैं उस मक्खी को वापस बुला लेता हूँ। देखा? चलो नोबिता, आगे चलो, चलो अब अंदर चलो नोबिता। इधर आओ। ओह नोबिता, तुम दोनों वहाँ क्यों खड़े हो? अगर तुम्हें कुछ खाना है तो जाओ फ्रिज में जाकर देखो। हाँ, ये केक तो मुझे बहुत टेस्टी लग रहा है। तुमने कर दिखाया डोरेमोन, अब मैं कुछ भी कर सकता हूँ और मुझे डांट नहीं पड़ेगी। पर तुम्हें ऐसा काम नहीं करना चाहिए जिसकी वजह से तुम्हें डांट पड़े। ये लो, कुछ नहीं होता लेकिन। चलो खाते हैं। नहीं, मैं तुम्हें अपना केक बिल्कुल नहीं खाने दूंगा। नहीं, मैं तो काम डाउन बीज नेस्ट को देख रहा था। ये नेस्ट मेरे लिए बहुत काम की चीज है।
अब मुझे सबसे पहले किसके पास जाना चाहिए? मेरे पास इतने सारे राज हैं कि उनके लिए मुझे डांट पड़ती है। मुझे अब अपने सबसे प्यारे दोस्त के पास जाना चाहिए, वो है शिज़ुका। शिज़ुका, मैं हमेशा सोचता था कि मैं एक दिन तुमसे माफ़ी मांगूंगा, पर क्यों? वो मुझे तुम्हारी डॉल पर, किसी और ने नहीं, मैंने ही बनाई थी। मुझे माफ कर दो शिज़ुका। वो तुम थे? तुम कितने मतलबी हो। वो डॉल मुझे बहुत प्यारी थी, तुमने मुझे बना दी। कितने मतलबी हो तुम, नोबिता तुम बहुत गंदे हो। नोबिता तुम बहुत बुरे हो, मैं तुमसे बात नहीं करूँगी। अरे नोबिता क्या हुआ? I'm sorry शिज़ुका, मेरी गलती के लिए मुझे माफ कर दो। नोबिता अब सब कुछ ठीक हो गया है। मैंने कर लिया, yes! Bye! Goodbye नोबिता। क्या कहा तुमने, फिर से तो कहना। हाँ, कल मैं बार बार आपकी खिड़कियों के कांच तोड़कर भाग गया था, आपको तो याद होगा। एक तो मेरा कांच तोड़ते हो, ऊपर से अपने बर्ताव को तो देखो। कौन से स्कूल में जाते हो तुम? तुम्हारे मॉम डैड ने तुम्हें कुछ सिखाया कि नहीं है? अच्छा, मैं बहुत खुश हूँ कि तुम इतनी ईमानदारी से मुझसे माफ़ी मांगने आए हो। अंदर आओ, चाय पियेंगे, कुछ खाएंगे, बातें करेंगे। आ जाओ। मुझे बाहर जाने दीजिए, मुझे घर जाना है। मुझे घर जाने दीजिए ना। अजीब लड़का है, चाय के नाम से ही भाग गया। कैसा झटका था, वो आदमी कितना दयालु बन रहा था। पर अब अपनी गलतियों के लिए माफी मांगकर बहुत अच्छा लग रहा है। और अगला आदमी, मुझे माफ कर दो जियान, मुझे माफ कर दो प्लीज। रुक जाओ, आज तुम नहीं बचोगे, सुना तुमने? ये दोनों हमेशा लड़ते रहते हैं। नोबिता प्लीज, मुझे जियान से बचा लो प्लीज। हट जाओ नोबिता। देखो नोबिता, हमारे झगड़े के बीच में मत आओ, तुम नहीं जानते इसने क्या किया है। इसको तो तुम्हें ऐसी छोटी मोटी बातों पर, लड़ाई झगड़ा तो बिल्कुल नहीं करना चाहिए। सुनियो को माफ कर दो, अगर तुम दोनों लड़ाई करोगे तो तुम दोनों में से किसी को भी गहरी चोट लग सकती है। नोबिता तुम इसे बचाने की कोशिश मत करो, मेरा खून खौल रहा है, आज मैं इसे नहीं छोड़ूंगा। ठीक है, मैं तुम्हें माफ करता हूँ। ये जियान का गुस्सा कैसे ठंडा हो गया? इसकी वजह से। ये क्या है? तुम इसे ऐसे थपथपाओगे तो इसमें से एक मक्खी निकलेगी जो लोगों को शांत करती है। बहुत अच्छा, प्लीज ये मुझे भी यूज करने दो। नहीं। जल्दी से इस नेस पर थपथपाओ, इससे पहले कि ये कहीं चली जाए। कैसे, क्या? अरे ये मक्खी कहाँ उड़ गई? ये गुस्से वाले लोगों को ढूंढने जा रही है, वो उसे नजर नहीं हटा सकता। ये किस तरफ गई? कहाँ चली गई वो? सुनियो ढूंढो उसे। और तेज भाग कर देखते हैं। सुनियो ये बताओ, अब तुम करोगे तो क्या करोगे? करना क्या है, उसे ढूंढने की कोशिश करूंगा। अरे देखो वो वहाँ उड़ रही है। कहाँ? वो रही वो। जल्दी उस देश को थपथपाओ, जल्दी, नहीं तो वो चली जाएगी। वापस आ जाओ। अब ये मेरा है। नहीं सुनियो रुको। सुनियो। अब मैं इसके साथ कुछ भी कर सकता हूँ, मुझे कोई नहीं डांटेगा। जियान अब मैं तुम्हें मजा चखाऊंगा। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? अरे नोबिता मक्खी तो वापस आ गई, ये देखो।
मैंने एक सेकंड के लिए अपनी आंखें इधर से उधर की तो ये वापस उड़ गई थी, पर मैंने उसे उसी समय पकड़ लिया। मतलब वो मक्खी जो सुनियों के पास है वो नकली है। ओ नहीं, डोरेमोन, हमें सुनियों को बचाना होगा, जल्दी चलो। ये तुम क्या कह रहे हो? बोलो जियान, मजा आया ना? पानी से भीगे सड़क पे मजा आया। अब जरा तमाशा देखो। अब तुम्हारा गुस्सा कम हुआ ना? प्लीज जियान, मुझे माफ कर दो। प्लीज माफ कर दूं और वो भी तुम्हें? तुमने मेरे साथ ऐसा क्यों किया सुनियो? सॉरी। हम लेट हो गए। बीकानेर तो वहाँ पड़ा हुआ है। क्या वो तुम्हारा है नोबिता? ये इसी ने करने को कहा था, सब इसी की गलती है जियान। नोबिता ये देखो, मुझे उस मक्खी ने काट लिया है। अब तुम्हें अपनी गलती की सजा भुगतनी पड़ेगी, समझ गए? आखिर तुम तीनों अपने आप को समझते क्या हो? ये क्या है? ये सब मेरे साथ ही क्यों होता है? मुझे माफ कर दो डोरेमोन, मुझे माफ कर दो। नोबिता, तो ये तुम्हारा काम था? जरा इस दीवार की हालत तो देखो और बताओ ये कैसे हुआ? ओ नो, उन्हें पता चल गया। डोरेमोन, मुझे काम डाउन दी दो। मैं तुम्हारी मदद नहीं करूँगा। जब तुमने गलती की है तो तुम्हें डांट पड़नी ही चाहिए। यही तुम्हारा सही इलाज है। नीचे उतरो। नोबिता, रुक जाओ।